यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर इस वक्त कुरुक्षेत्र से है, जहां पर राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज बैठक में भड़के हुए नजर आए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज भड़के और साथ ही फरियादी की शिकायत पर राज्य मंत्री भड़के हैं। शिकायतकर्ता को बैठक से बाहर तक उन्होंने निकाला। न्याय न मिलने पर शिकायतकर्ता ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी, जिसके चलते राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज बैठक के दौरान भड़के और साथ ही शिकायतकर्ता को बाहर निकाल दिया गया बैठक से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कुरुक्षेत्र से, जहां पर राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज बैठक में भड़के। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक वो ले रहे थे और इसी दौरान वो शिकायतकर्ता पर भड़के और साथ ही आपको बता दें कि फरियादी की ओर से न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी गई, जिसके बाद यहाँ पर राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भड़कते हुए फरियादी को कष्ट निवारण समिति की बैठक से बाहर कर दिया। और चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज की ओर से। तो शिकायतकर्ता को बैठक से बाहर निकाल दिया गया राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज की ओर से। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक वो ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान शिकायतकर्ता पर भड़कते हुए नजर आए राज्य मंत्री कृष्णदेव कंबोज और साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर जब शिकायतकर्ता की ओर से आत्महत्या करने तक की यहां पर चेतावनी दी गई न्याय न मिलने पर वो यहां पर भड़कते हुए नजर आए। और ज्यादा जानकारी लेंगे कुरुक्षेत्र से, हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा फोन लाइन पर हैं। राजीव, क्या पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, शिकायतकर्ता की ओर से क्या कुछ फरियाद यहां पर लगाई गई थी जिस पर भड़क गए राज्य मंत्री? हाँ जी अंबिका, देखिए बिल्कुल, आज कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, तो उसमें जो है राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज जो फरियादी थे उनकी शिकायतें सुन रहे थे। तो एक शिकायत सुनते सुनते जो शिकायतकर्ता की बात पर जो है राज्य मंत्री आपा खो बैठे और उसे जो है गेट आउट कह दिया और उसे बाहर निकलने का आदेश दे दिया, जिससे जो है शिकायतकर्ता बेहद आहत है। और उसने साफ तौर पर कहा है कि जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में इंसाफ मांगने के लिए आया था, क्योंकि उसको जो है प्रशासनिक अधिकारी इंसाफ नहीं दे रहे थे, तो जिसको लेकर जो वो अब राज्य मंत्री के दरबार में उसने गुहार लगाई थी, लेकिन उसे जो है इंसाफ मिलना तो दूर, उसे जो है अपमानित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। तो उसने साफ तौर पर ये राजीव शिकायत क्या थी, समस्या क्या थी शिकायतकर्ता की जिसको लेकर वो पहुंचा था? संवेदनशील मामला है जिस पर की जो देखने वाली बात ये रहेगी, हालांकि बाद में जो है मंत्री महोदय सफाई देते हुए नजर आए हैं बैठक के समाप्त होने के बाद कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, वो कोई गुस्से में नहीं है और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाह है कि राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने जो है फरियादी को गेट आउट, बिल्कुल राजीव तस्वीरें हमने देखी राज्य मंत्री को यहाँ पर कहते हुए भी सुना, भड़कते हुए सुना यहाँ पर, और साथ ही उसको बाहर निकालने की बात कहते हुए भी सुना। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर शिकायत थी जिसको लेकर शिकायतकर्ता पहुंचा था, क्या कुछ समस्या थी उसकी? देखिए जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है उसमें जो है फरियादी अक्सर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी समस्याओं पर ही हवाले करते हैं और लंबे समय से जो है उन शिकायतों को लटकाया जाता है, तो इसी को लेकर जो ये आज ये फरियादी आया था, तो जिसकी जो शिकायत थी, लेकिन उसे जो इंसाफ नहीं मिला और उसे जब इंसाफ नहीं मिला तो जी चलिए बने रहिए फोन लाइन पर। राजीव हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका संजय शर्मा जी खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। संजय शर्मा जी, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली जाती है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, लेकिन जब फरियादी वहां पर फरियाद लेकर पहुंचते हैं तो फिर किस तरह का व्यवहार किया जाता है? यहां पर राज्य मंत्री कृष्णदेव कर्णदेव कंबोज जो यहां पर भड़कते हुए नजर आते हैं, बाहर तक निकाल दिया जाता है?
अब सही मामला क्या है इसको समझे बगैर मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि फरियादी ने क्या फरियाद की थी, कितने दिन से फरियाद कर रहा था। कुछ लोग आजकल प्रशासन का एक माध्यम बना लिया है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ गलत बातों को अपने आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कोई ऐसा विषय हो। अब पूरा विषय क्या था, किस मामले में उसने ये फरियाद की थी, क्योंकि आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी बहुत ही सिंसियर मंत्री है, बहुत ही सहनशील है और बहुत ही ठंडे दिमाग के हैं। ऐसे तो वो किसी बात पे नहीं रिएक्शन करते। राजीव, बहुत ऐसा विषय होगा जिस पर उन्होंने रिएक्शन किया। जी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ फरियाद लेकर पहुंचा था, फरियादी समस्या क्या थी इसकी? आज समस्या जो भी रही हो फरियादी की, लेकिन उस फरियादी को ये मंत्री महोदय के इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बात है की फरियादी यदि कोई फरियाद लेकर सेवा समिति की बैठक में फरियादी फरियाद तभी लेकर आता है जब प्रशासनिक अधिकारी उसे रास्ता नहीं देते और वो कहीं तब जो है अपनी फरियाद को लेकर भटकता रहता है, तभी जो है जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में फरियाद रखी जाती है। लेकिन जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में यदि इस तरह से फरियादियों को गेट आउट कहा जाएगा, वो भी एक मंत्री द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना बात। प्रवक्ता केवल ढिंगरा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ढिंगरा साहब, खबरें अभी तक पर। ढिंगरा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी ढिंगरा साहब, जिला कष्ट निवारण की समिति की बैठक जो है जो लगातार ली जा रही है, मंत्री पहुंचते हैं, समस्याएं सुनते हैं लोगों की, लेकिन जो मामला सामने आया है कुरुक्षेत्र से, वहां पर न्याय नहीं मिल रहा था। एक फरियादी को लगातार शिकायतें वहां पर की गई और आज फिर से पहुंचा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री साहब के सामने समस्या बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है शिकायतकर्ता को मंत्री जी ने बाहर कर दिया समिति से। ये करण देव कंबोज हो चाहे अनिल विज हो, ये किस तरह से काम करते हैं ये सारे लोगों को समझ में आ रहा है, और पब्लिक जो है वो अगर अपने फरियाद लेके मंत्री के पास जाती है और जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है उनके साथ, तो ये बड़ा ही दुर्दारक। जिस समय इनको वोट मांगनी थी उस समय ये लोगों के साथ झोली फैला के वोट मांगते थे, अच्छे दिनों की दुहाई देते थे। उस समय ये कहते थे कि हम जो है पब्लिक के अच्छे दिन लेके आएंगे। आज जब पब्लिक इनसे गुहार करती है तो ये पब्लिक को वहां पे बाहर निकालने का या धक्के मारने का काम करते हैं। आप ये देखिए, उनके साथ तो करते ही है लेकिन कर्मचारियों के साथ भी जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, और करण देव कंबोज ही नहीं, उनके साथ कई MLA भी हैं जो उस इलाके के हैं और उस तरीके से जो बात करते हैं, ये बड़ा ही दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 साल से लगातार हरियाणा के अंदर कर रही है। हमारे साथ इसी बीच नेलो प्रवक्ता रविंद्र ध्रुल भी फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका ढुल साहब, खबरें अभी तक पर। हाँ जी जी, संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा जी, क्या अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, अगर शिकायतकर्ता बार बार उसकी शिकायत को लेकर पहुंचेगा और फिर आत्महत्या की अगर चेतावनी उसकी ओर से दी जाती है, तो क्या उसे इस तरह से बाहर निकालना सही है? मैंने जैसे पहले भी कहा क्या है कि हेलो जी ढुल साहब, आपके पास आऊंगी एक बार। जी जी, जानकारी बहुत से फरियादी ऐसे होते हैं जो बिना मुद्दों को मुद्दा बना करके और ऐसे ग्रीवेंसीज कमेटी का समय भी खराब करते हैं और कई बार कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो वहाँ पर वांछनीय नहीं। नहीं, वहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं किया गया। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, फरियादी फरियाद कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन उसको बाहर कर दिया जाता है। रविंद्र झुल जी, हेलो, हाँ जी, मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ। करणदेव कंबोज जी के भाई के द्वारा मैं पीछे ऐसे ही जो कुछ ज्ञापन लेने गए थे, देखने गए थे कुछ लोग, उनको निकाल दिया गया था। लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी एक व्यक्ति के साथ में, बूढ़े व्यक्ति जिनकी बेटी जो है 6-7 साल से गायब है, उसके साथ में भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया था। उनको जो है कह दिया गया था कि आप बाहर जाइए, आपकी बेटी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों की संवेदना इन लोगों के अंदर नहीं है, ये केवल ढोंग करते हैं और कुछ नहीं है। कष्ट निवारण समिति के नाम से जो है ये ढोंग किया जा रहा है, इसमें जो असली जो लोग हैं जिनके जिनके कोई कॉस्ट है उनका ये सम्मान नहीं करते, उनका समाधान नहीं करते, ये केवल अपने लोगों को बाहर बिठा करके रखते ताकि मीडिया में खबरें बने। ढींगरा साहब, क्या महज दिखावा करने के लिए इस तरह से जो है जिला कष्ट निवारण समिति की बैठकें लगाई जाती हैं कि लोगों के सामने रहे कि समस्याएं सुन रहे हैं हम, लेकिन जब लोग समस्या लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ समाधान के नाम पर कुछ नहीं हाथ लगता है?
देखिए ये सरकार चार साल के अंदर कोई काम नहीं कर पा रही, इसीलिए समस्याएं लोगों की बढ़ रही हैं। आप ये देखिए कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी समस्या है, किसान की अपनी समस्या है, आरती की अपनी समस्या है, जो दूसरे लोग हैं कर्मचारी हैं उनकी अपनी समस्या है, लेकिन कोई भी आदमी अगर सरकार के पास जाता है तो सरकार का दुर्व्यवहार क्रिया जो है वो उनको देखने को मिलता है। अभी जिस तरह से पहले करण कंबोज जी जिस तरह से मंत्री जी बैठे हैं और उनके साथ भी दो एमएलए और अधिकारी बैठे हैं और वो किस तरह से आदमी को बाहर निकालते हैं जी। ये इस तरीके से जब वोट मांगते हैं तो कुछ और तरीका होता है, और जो आप जब कोई काम मांगने जाता है या कोई काम करवाने के लिए गुहार करता है तो ये लोग किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं उसके साथ। संजय शर्मा जी, जब वोट मांगने का समय आता है तो आपका व्यवहार बदल जाता है, और जब लोगों की समस्याएं सुनने का समय आता है तो व्यवहार कुछ और होता है। चलिए, संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया केवल ढिंगरा जी, रविंद्र ठुल जी और साथ ही संजय शर्मा जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो कष्ट निवारण समिति की ये बैठक चल रही थी जिसमें मंत्री कर्णदेव कंबोज मौजूद थे, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर शिकायतकर्ता की ओर से न्याय के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन यहाँ पर मंत्री साहब भड़कते हुए नजर आए और साथ ही कष्ट निवारण समिति की बैठक से शिकायतकर्ता को बाहर तक भिजवा दिया।